नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी पुलिस 2018 के बारे में। तो इसमें हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो गलत आए थे, जिनके नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 18 जून फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो उसमें हम बात करेंगे जैसे कुछ क्वेश्चन पर डाउट थे, कुछ का आंसर की में गलत था, तो उनके बारे में हम सभी क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चाहे यूपी पुलिस की जॉब हो या यूपी में कोई और जॉब हो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम खराब किए। देखिए, एक क्वेश्चन ये था दोस्तों, जैसे ऐसा नहीं है आज 18 जून की फर्स्ट शिफ्ट है, कल हम सेकंड शिफ्ट का डिस्कस करेंगे, ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। और हम जैसे फिजिकल के बारे में आपका वीडियो बना दिया है कि कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, कहाँ फिजिकल होगा, जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसी को देखते हुए कि 1,00,000 के करीब कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितनी जगह फिजिकल होगा, कैसे फिजिकल होगा, कितने मीटर के ट्रैक पर कौन फिजिकल कराएगा, ये सारी डिटेल्स एक वीडियो में है। तो वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और कट ऑफ की और नॉर्मलाइजेशन की वीडियो भी हम डाल चुके हैं, तो उन वीडियो को आप देख लीजिए या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये एक क्वेश्चन था, इसमें इनमें अलग बताया है इन तीनों का रिलेशन, पेन, पेंसिल और पेपर। तो देखिए, इनमें से अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ए और सी में डाउट था, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। पेन अलग है, पेंसिल अलग है और पेपर अलग है, ठीक है। तो इनके लिए जो आंसर होगा ए होगा, ठीक है। तो आपको जो लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दें, और ऐसा नहीं कोई एक आध क्वेश्चन छूट गया तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको हम बाद में अपडेट कर देंगे। तो इसमें देखिए, इनमें से कौन सा अलग है। तो देखिए, मीटर, माइल, फरलोंग, एकर, यार्ड। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे आपको फरलोंग का आएगा क्योंकि ये थोड़ा अजीब सा वर्ड लगा, तो यही होगा। तो ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, लेंथ मापने के लिए उसकी यूनिट है, और एकर है वो एरिया के लिए है। तो जो एकड़ है ये आएगा इसका, तो इसका आंसर रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसमें हमें ओड फिगर्स फाइंड आउट करनी है, तो इसमें जितनी डॉट हैं हम उन्हें काउंट कर लेंगे। ये देखिए, इसमें कितनी है, 5 + 6 = 11, 11 + 2 = 13, 1 = 14, टोटल 14, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 + 4 = 10, 3 = 13, 1 = 14, इसमें भी 14 हैं। इसमें देखिए, 3, 5 = 8, 9 और 4 = 13, इसमें टोटल 13 हैं, और इसमें 2, 3 = 5, 5 + 5 = 10 और 4 = 14। तो ये देख लीजिए, ये अलग दिख रहा है, ये सी है इसका आंसर, ठीक है। तो जो अलग है वो है सी, तो सी होगा इसका आंसर। तो इसमें आप डाउट्स में ना रहें। तो ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपने हालांकि क्या पता देख भी लिए हो, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इनके आपको नंबर मिलेंगे अगर ये आंसर की में इनके अलावा कुछ गलत दिया है तो, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने दोनों ले लिए, जिनके आपको डाउट्स थे वो भी, और जैसे जिनके आंसर गलत थे उनको भी। तो ये देख लीजिए, इससे बनी है ये फिगर, तो इससे कौन सी बनेगी। तो इसमें देख लीजिए, ये चीज़ें कॉमन है। देखिए, जो अंदर थे जैसे ये राउंड और रेक्टेंगल, ये आ गए हैं बाहर, और जो बाहर थे, देखिए आप यही देख लीजिए, इसको जूम कर देता हूँ मैं, रेक्टेंगल और जो ट्रेंगल हैं ये थे बाहर, तो अगली आकृति में ये अंदर आ गए हैं और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। तो इसी चीज़ का देखिए, जो इनके बाहर हैं जेड और एल, ये अंदर आ जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, तो जेड यहाँ होगा आपका, एल यहाँ होगा, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, ठीक है, हम आपको डिटेल्स में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन में अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इसमें आपको नंबर मिलेगा ही, चाहे आपने ए और सी दोनों में से एक किया। तो हम बता देते हैं आया कैसे है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, देखना, चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। जैसे प्लस का ये देखिए इनके क्रॉस में और उल्टा है, ये देखिए इसका ये, ठीक है, प्लस का रेक्टेंगल, इसका आप देख सकते हैं ये, तो ये मैंने वैसे दिखा भी दिए हैं ये तीनों का। तो अगर ये इनके साथ आए हैं तो ये सीधी सीधी बात है आपका गलत हो गया है, ये इनके साथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि इनके अपोजिट हैं, अपोजिट एंड पर आने चाहिए, और मतलब दूसरे एंड पर आने चाहिए अपोजिट में एक छोड़कर। तो ये अगर एक साथ आते हैं तो देखिए, इनमें जो दो आकृति हैं, तो देखिए इनमें बी और डी में ये आकृति साथ आ गई हैं दोनों, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है, एक साथ ही आकृति नहीं आ सकती। तो ए और सी में से अगर आपने जो भी किया है तो आपका ठीक रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्या है, ये बोर्ड मोस रूल का। तो ये तो ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में गलत ही किया है उन्होंने, पता नहीं किस हिसाब से किया है। तो ये देख लीजिए, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो इस हिसाब से आंसर आएगा 48, उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से बताया आंसर 16 बताया, तो वो गलत है, इसके नंबर भी आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द यूपी। तो इसमें क्या उन्होंने आंसर बताया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इसका मैं बता दूं, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है।
क्योंकि जो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये बनी थी 1887 में, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इन सभी में। दोस्तों यही थे, और अगर कोई क्वेश्चन बच गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो दोस्तों आपकी जो भी वीडियोज़ हैं, जैसे कट ऑफ की वीडियो, नॉर्मलाइजेशन की वीडियो, जो भी अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए उसी टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिजिकल के लिए और जो है कॉन्स्टेबल की सैलरी, फिजिकल, कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन, ये सब वीडियोज़ हम डाल चुके हैं। अब अभी सारे आपके जो क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज कर देंगे, जैसे जो जो गलत हैं उसमें 18 की फर्स्ट शिफ्ट का आज हो गया है, सेकेंड शिफ्ट का, 19 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट सारे हम करेंगे। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी पता चल सके कि किसको कितने कितने नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।